Let's start with exercise questions. First question Why does the athlete, athlete jo hai, hai no, breathe faster and deeper than usual after finishing the race? During the run, the demand of oxygen is high, but the supply of oxygen to produce energy is limited. Therefore, anaerobic respiration takes place in the muscle cell to fulfill the demand of energy. After finishing the race, an athlete ब्रीथ फास्टर एंड डीपर दैन यूजल सो दैट मोस्ट ऑक्सीजन इज़ सप्लाई टू द सेल्स मैंने भी यही बताया था कि एथलीट क्यों भागते हैं क्यों बाद में सांस जोर ज़ोर से लेते हैं क्योंकि जब वो भागते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी नहीं पहुंच पाती उनकी बॉडी में जितनी जितनी पहुंचनी चाहिए जिसके कारण मसल सेल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है एनारोबिक मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ठीक है जिसके कारण क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसके कारण लैक्टिक एसिड बनता है ना मैंने बताया था एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या बनता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज होती है लैक्टिक एसिड बनता है लैक्टिक एसिड बनता है ठीक है जिसके कारण क्या है कि क्रैम्प्स खलियाँ पड़ जाती हैं इसीलिए वो बाद में दौड़ने के बाद ज़ोर जोर से सांस लेता है ताकि जो ऑक्सीजन की कमी हुई है उसके अंदर वो फुलफिल हो सके और एनअरोबिक रेस्परेशन ख़त्म हो ताकि उसकी बॉडी के अंदर क्रैम्प्स ना पड़े क्वेश्चन क्लियर नेक्स्ट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफ्रेंसेज बिटवीन एरोबिक एंड एनअरोबिक रेस्पिरेशन ठीक है अब सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखते हैं बिटवीन एरोबिक और एन एरो रेस्पिरेसन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये जो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस वाले क्वेश्चन हैं ये टीचर्स के पेट क्वेश्चन होते हैं वो पूछती पूछती हैं तो सिमिलैरिटीज़ की बात करूँ तो मैंने दोनों में बताया था रिएक्शन में क्या सिमिलर था पीछे जाओ अगर नहीं समझ आ रहा एनर्जी दोनों में रिलीज़ हो रही थी पहले भी बताया था तो दे बोथ यूज ग्लूकोज एज द स्टार्टिंग मटीरियल प्लस आप लिख सकते हो कि एनर्जी इज रिलीज इन बोथ ऑफ दम एनर्जी इज रिलीज प्लस ग्लूकोस ग्लूकोस क्या है फूड ही है ना उसकी ब्रेकडाउन हो रही है तो ग्लूकोस कॉमन हो गया और दूसरा क्या कॉमन हो गया एनर्जी दोनों में रिलीज हो रही है ठीक है उसके बाद आ गया क्वेश्चन आ गया डिफरेंस एरोबिक डिफ्रेंस एरो एरोबिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एन एरोबिक मीन्स एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड प्रोडक्ट मतलब जो एरो के बाद में बनता है लेफ्ट हैंड साइड पर जो चीज़ नहीं राइट हैंड साइड पर जो चीज़ बनती थी उसे कहते हैं एंड प्रोडक्ट इसमें एंड प्रोडक्ट क्या, दो. क्या है दो एंड प्रोडक्ट क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड ठीक है मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस अब एरोबिक में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है बट इसमें वेरी लिटिल एनर्जी बट दोनों में एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है बेशक उसमें ज्यादा होती है उसमें लिटिल होती है बट एनर्जी दोनों में प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन मोस्ट ऑफ़ द प्लांट्स एंड एनिमल्स हाँ और एनारोबिक ईस्ट में प्रोड्यूस होती है बैक्टीरिया में एंड सम पैरासाइड वर्म्स क्लियर नेक्स्ट वाई डू यू ओपन स्नीज वेन यू इनहेल अ लॉर्ड ऑफ डस्ट लेडन एयर हम क्यों छींकते हैं स्नीज मतलब छींकना क्यों छींकते हैं जब हम इन मतलब सांस जब हम आ, सांस लेते हैं और सांस के साथ में हमारे अंदर डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं मिट्टी चल जाती है तो हम क्यों छींकते हैं वेन वी इन्ेल एयर कंटेनिंग डस्ट पार्टिकल्स द पार्टिकल्स गेट ट्रैप इन द हेयर प्रेजेंट इन ओवर नोस्टल्स अब आप कभी ना ध्यान से देखना आपके ना नाक के अंदर हेयर्स प्रेजेंट है छोटे छोटे ये हेयर्स पता क्या करते हैं आपके जो हवा आ रही है ठीक है बाहर से उसे प्यूरीफाई करते हैं प्यूरीफाई इन द सेंस कि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है कोई डस्ट पार्टिकल तो नहीं है अगर डस्ट पार्टिकल होता है तो वो शींक आप शींकते हो और वो बाहर चले जाते हैं ठीक है और अगर नहीं होता है तो फिर वो विंड पाइप में जाते हैं और उसमें उसके थ्रू कहाँ पर जाते हैं टू योर लंग्स ठीक है इसीलिए क्या करते हैं इसमें इसीलिए उसने बोला है कि वैन यू इनहेल हेयर कंटेनिंग डस्ट पार्टिकल्स द पार्टिकल्स गेट ट्रैप इन द एयर हेयर प्रेजेंट इन

ठीक है वो सेल्स टिश्यूज़ की बनी होती है वो टिश्यू आपको अभी मैं नहीं समझाऊंगी ठीक है एंड एज अ रिजल्ट वी स्नीज़ हम क्यों स्नीज करते हैं क्योंकि जब डस्ट पार्टिकल आता है हवा के साथ नोस्ट्रिल्स में तो नोस्ट्रिल के बाद वो कहाँ पे जाता है नेसल कैविटी में नेसल कैविटी में क्या होती है लाइनिंग होती है जिसके कारण वो लाइनिंग डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि उसका क्या हम क्या होता है सिर्फ एयर को अंदर पहुँचाना कहाँ पर लंग्स में तो वो लंग्स में नहीं पहुँचा पाती है क्योंकि उसे लगता है कि कुछ तो है गड़बड़ यहाँ पर डस्ट है ठीक है तो वो क्या होता है आ, तो उस क्या होता है आप शेंकते हो और हमारे नाक में जो वेस्ट होता है नाक के अंदर वो एक्चुअली क्या होता है वो म्यूकस होती है वो डस्ट पार्टिकल्स ही होते हैं वेस्ट ही होता है जो निकालते हो आप ठीक है समझ आई नेक्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन आ गया आपका कौन बनेगा करोड़पति वाला क्वेश्चन फर्स्ट इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू एयर्स कैसे एंटर करती है बॉडी में कॉकरोचेस में पहला ऑप्शन लंग्स दूसरा गिल्स तीसरा स्पाइरेकल्स फोर्थ स्किन तो क्या ऑप्शन होगा स्पाइरेकल्स क्योंकि उसने क्या पूछा कॉकरोचेस अगर वो पूछता फिशेस तो फिर गिल्स आना था फिशेस में है ना उसके बाद अगर वो पूछता स्किन के थ्रू तो स्किन के थ्रू अर्थवोम या फिर आप फ्रॉग भी लिख सकते थे लंग्स तो ह्यूमन बींग या फ्रॉग ठीक है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स क्रैम्प्स मतलब फिर से मैं बता रही हूँ खलियाँ इन द लैंग्स लग्स लंग्स इन द लेग्स ड्यू टू अकूमुलेशन ऑफ क्या एक्यूमुलेट होता है लैक्टिक एसिड ठीक है नेक्स्ट नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन इज़ मतलब एक मिनट में तुम कितनी बड़ी सांस लेते हो सांस छोड़ते हो तो कितनी बड़ी फिफ्टीन टू एटीन टाइम्स है मैंने आपको पहले भी बताया था ड्यूरिंग एक्सालेशन द रिप्स जब हम सांस छोड़ते हैं जब सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है रिप्स क्या करते हैं मूव्स अपवर्ड्स ठीक है और जब हम सांस लेते हैं तो दे मूव्स डाउनवर्ड्स मूव डाउन और जब सांस छोड़ते हैं दे मूव अपवर्ड अपनी ओरिजनल पोजिशन पर ही आ जाते हैं जहाँ पे वो होते हैं ठीक है नेक्स्ट आगे है मैच द कॉलम्स फर्स्ट ईस्ट ईस्ट में क्या होती है ईस्ट अल्कोहल पता है आपको अल्कोहल मतलब शराब शराब की ना शराब कैसे बनती है ईस्ट ईस्ट क्या ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ठीक है उनमें एनरोबिक रेस्पिरेशन होती है और उससे शराब बनती है समझ आई डाईफ्रेम डाईफ्रेम क्या है चेस्ट कैविटी है चेस्ट कैविटी के ऊपर वो जो फ्लोर इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी उसे क्या कहते हैं डाईफ्रेम स्किन स्किन के थ्रू कौन ब्रीथ करता है अर्थवॉर्म लीव्स के ली, रेस्पिरेशन लीव्स के अंदर कैसे होती है कैसे होती है थ्रू स्ट्रोमेटा फिश कैसे ब्रीद करते हैं गिल्स से फ्रॉग कैसे ब्रीद करते हैं मैंने फिर से बता दिया लंग्स एंड स्किन से आ गया मार्क ट्रू एंड फॉल्स फर्स्ट ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लो डाउन जो ब्रीदिंग रेट है पर्सन का वो स्लो डाउन हो जाता है नो no, वो फास्ट होता है तुम जोर जोर से सांस लेते हो है ना सेकेंड प्लांट्स कैरी आउट फोटोसेंथिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट नो है ना रेस्पायर वो सारा दिन करते हैं है ना फॉल्स फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स ट्रू क्योंकि फ्रॉग्स जो है वो जब लैंड पे रहते हैं तब कैसे ब्रीद करते हैं लंग्स से और जब वाटर में जाते हैं तब कैसे ब्रीद करते हैं स्किन से ठीक है फोर्थ द फिशिज हैव लंग्स फॉर एस्पिरीशन नो ऐसी फिश तो हमने कभी नहीं देखी भाई किससे रेस्पायर करते हैं गिल्स से द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इनक्रीज ड्यूरिंग इन्हीशन हाँ क्योंकि साइज क्यों इंक्रीज होता है ताकि मोर ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो एंटर कर सके हमारी लंग्स के अंदर समझ आई नेक्स्ट क्रॉस वर्ल्ड परजल आ गई है मैंने ये प्रजल भी आपको दिखा दी है चलो द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स अब एयर ट्रूब्स ऑफ इंसेक्ट्स को क्या बोलते थे ट्रैकिया सेकेंड स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी अब स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी क्या था रिप्स और हमारे अंदर कितने पेयर्स ऑफ रिप्स होते हैं ट्वेल्व मस्क्यूलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी क्या बोलते हैं उसे मैंने तीसरी बार ये बताने लगी हूँ डाए फ्रैम टाइनी पोर्स दे आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स टोमेटा द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स लंग्स द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल सबसे पहले कौन सा होता है जिससे हम सांस लेते हैं नोज़ है ना या फिर नोज या फिर इसे क्या कहते हैं नोस्ट्रिल्स ठीक है द एंड ओबिक ऑर्गेनिज्म कौन है ईस्ट बताया मैंने ऑर्गेनिज्म विथ ट्रैक्यल सिस्टम एंड समझ आई क्वेश्चन नाइन्थ द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद दैम बिकॉज अब माउंटेन्स में जब माउंटेनियर्स मतलब जो माउंटेन को क्लाइम करते हैं वो अपने साथ उनके पीछे आपने देखा कभी ऑक्सीजन सिलेंडर टंगा होता है क्यों फर्स्ट द एट एन एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड मतलब हाइट ऑफ मोर देन फाइव किलोमीटर देयर इज़ नो एयर बी द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज़ लेस दैन अवेलेबल ऑन द ग्राउंड सी द टेम्परेचर ऑफ एयर इज हायर दैन दैट ऑफ ऑन द ग्राउंड फोर्थ द प्रेशर ऑफ एयर इज़ हायर दैन दैट ऑन द ग्राउंड तो आंसर क्या होगा अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू द पर्सन इज़ लेस दैन द अवेलेबल ऑन ग्राउंड पता क्या होता है मैं आपको चीज बताती हूँ ईयर जो होती है ना वो जैसे हम ऊपर 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 जाना शुरू करते हैं ना तो क्या होता है हाइट पे तो एयर की कंसंट्रेशन जो होती है वो कम होती है जिसके कारण जो माउंटेनियर्स हैं जब वो क्लाइम करते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके रखते हैं क्लियर दिस वाज आर एंड ऑफ द चैप्टर थैंक यू